Students, how are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point. तो आज हम लोग बात करेंगे conditional sentences पर कि conditional sentence इसका importance क्या होता है, ये examination में कैसे कैसे पूछा जाता है और इसको हमें कैसे solve करना है और कैसे समझना है. और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि अब तक जितने भी examination हुए हैं, कोई भी examination हो जहाँ पर English पूछी जाती है, तो उसमें कितने कंडीशनल सेंटेंसेस अब तक आ चुके हैं उसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. लेकिन सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि कंडीशनल होता क्या है और कितने तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. तो सबसे पहले इसको स्टडी कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन कितने हैं और उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे. तो कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत की जा रही है. कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस. अब कंडीशनल का मतलब क्या होता है, कंडीशनल मींस क्या होता है, शर्त. कोई भी कंडीशन अगर आप पढ़ेंगे, वैसे तीन तरीके की कंडीशन होती है. कितनी कंडीशन होती है, तीन होती है. तो फर्स्ट कंडीशन, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, सेकंड कंडीशन और एक हमारा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड थर्ड कंडीशन. इसको आप याद रखिएगा कि अगर हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें तो देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ इट. इसकी तीन कैटेगरी होती है, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन. तो इसी को हमें जानना होगा कि फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या होता है, सेकंड कंडीशन में क्या क्या होता है और थर्ड कंडीशन में क्या क्या बातें होती हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. कंडीशनल एक शर्त होती है. शर्त का मतलब क्या होता है कि आपके सामने एक कंडीशन रखी जाती है. कंडीशन फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने कह दिया यदि आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है. यदि आप ये काम करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा, यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है. अब मैंने आपके सामने एक क्या कंडीशन रखा, यदि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी. तो सब कुछ समझने के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा. तो आज हम लोग केवल एक ही कंडीशन पर बात करेंगे, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, जो हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन है. तो देखिए जो फर्स्ट कंडीशन होती है इसको कहा जाता है प्रोबेबल. अब यहां पर आपको हिंदी में समझना होगा कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबल का मतलब क्या होता है. देखिए प्रोबेबल को हिंदी में बोलते हैं पॉसिबिलिटी, मतलब एक तरीके की संभावना. अगर इसकी इंग्लिश में बात किया जाए, लाइकली टू बी ट्रू और हैपन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइकली टू बी ट्रू और हैपन. तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, लाइकली, लाइकली का मतलब पॉसिबिलिटी, टू बी ट्रू सत्य होने की और हैपन या कोई चीज़ घटित होने की, तो उसी को बोलते हैं प्रोबेबल. तो पहली कंडीशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज़ की संभावना, किसी चीज़ की घटित होने की पॉसिबिलिटी इसमें पाई जाती है. जैसे मान लिया जाए आपके सामने एक कंडीशन रखी गई, यदि बारिश होगी तो हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे. यहाँ पर हो सकता है जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रख दी गई, यदि बारिश होगी तो हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे. अब इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है कि जा भी सकते हैं या नहीं भी जा सकते हैं. जैसे किसी ने कहा यदि आप उसे परेशान करोगे तो वो आपको गाली देगा, तो इसका मतलब हो सकता है गाली दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है. तो यहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि हो ही जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, प्रोबेबल. फिर से एक बार समझ लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक कंडीशन पाई जाएगी और तीन तरीके की कंडीशन होती हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, प्रोबेबल,
इसका नाम है प्रोबेबल, मतलब एक संभावना है। लाइकली टू बी ट्रू और हैपन, इसको इंग्लिश में क्या कहा गया, लाइकली टू बी ट्रू, मतलब लाइकली एक संभावना है टू बी ट्रू, सत्य होने की, और हैपन या घटित होने की। तो चलिए डिटेल से हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं और कौन से सेंटेंसेस में क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल, तो हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट कंडीशन जैसे कि आप जान ही गए होंगे, प्रोबेबल, जिसके अंदर एक पॉसिबिलिटी होती है, एक संभावना होती है चीज़ की होने की। तो देखिए, तो जैसे कि आपका फर्स्ट कंडीशन है तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इफ क्लॉज। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आया कि क्लॉज क्या है, तो आप सिंपली केवल ये समझ लीजिए कि क्लॉज मीन्स सेंटेंस, बस। क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, और कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कहने का मतलब ये हुआ कि अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक सेंटेंस जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, पहला पोर्शन क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा पोर्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो क्लॉज मीन्स सेंटेंस, बस आपको ये याद रखना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इफ क्लॉज। तो ये जो इफ क्लॉज है ये किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस से मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है, मतलब बात जो होगी वो प्रेजेंट में ही रहेगी, और ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हो। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, एक आता है मेन क्लॉज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य वाक, मेन क्लॉज। और इसमें क्या होगा, विल और शैल, क्या लगा रहेगा, विल और शैल यूज किया जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर से एक बार आप समझ लें, इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस, और दूसरा हमारा क्या है, मेन क्लॉज होगा, और मेन क्लॉज में क्या लगा होगा, विल और शैल, और उसके बाद क्या रहेगी, बेस फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहीं पर भी आपको विल मिले, शैल मिले, कैन, कुड, मे, माइट, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। और इनके बाद हमेशा आपको कौन सी फॉर्म मिलती है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। जो इफ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है, या यहाँ पर आपको इज, आर, एम, ये भी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, बिकॉज दीज वर्ब्स, दीज ऑक्सिलरीज रेफर टू प्रेजेंट, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरीज लगी हुई हैं ये प्रेजेंट की ही तरफ इशारा कर रही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रही हैं। या तो आपका क्या हो सकता है, इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, या आपका हैज़ या हैव। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि हैज़ और हैव, हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट तो लगा ही हुआ है। या कभी कभी हैज़ और हैव का अर्थ क्या होता है, रखने से होता है। जैसे किसी ने कहा आई हैव अ मोबाइल, तो इसका मतलब मैं एक मोबाइल रखता हूँ। किसी ने कहा सी हैज़ अ कंप्यूटर, मतलब उसके पास एक कंप्यूटर है, इसका कहने का मतलब वो एक कंप्यूटर को रखती है। तो ये सारी बातें आपकी दिमाग में होनी चाहिए कि जो हमारा इफ क्लॉज है, मतलब इफ सेंटेंस है, वो प्रेजेंट टेंस में होगा, और प्रेजेंट टेंस का मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है, या इज आर एम लगा हो सकता है, या हैज़ या हैव यूज़ होगा। और जो मेन क्लॉज होगा उसमें डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, विल या शैल मिलेगा। तो चलिए सेंटेंस लेते हैं हम लोग। तो पहला सेंटेंस है, इफ ही रन्स फास्ट, सपोज इफ ही रन्स फास्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इफ ही रन्स फास्ट ही विल
गेट देयर ऑन टाइम। ये हमारा दो पार्ट हो गया। तो देखिए द सेंटेंस हैविंग टू पार्ट्स, मतलब जितने भी कंडीशनल सेंटेंस आप पढ़ेंगे उसमें सिंगल बातें नहीं रहेंगी, देयर विल बी टू सेंटेंसेस, उसमें दो सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इफ ही रन्स फास्ट। अच्छा, अब अगर इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या लिखा हुआ, इफ ही रन्स फास्ट, यदि वो तेज दौड़ेगा। अगर कहीं पर भी आपको हिंदी में ऐसा मिले यदि वो तेज दौड़ेगा तो वहाँ समय पर पहुँच जाएगा। अब हिंदी में गागी के निकल रहा लेकिन वो सॉल्व होगा। इफ़ वाला सेंटेंस हमेशा किस में सॉल्व होगा, प्रेजेंट टेंस। गागी के इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इसके बावजूद भी वो किस में सॉल्व होगा, प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा होता है इफ क्लॉज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। और दूसरा पोर्शन जो होता है ये हमारा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मेन क्लॉज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज बोलते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इफ किसका काम कर रहा है तो आपको ये बोलना होगा इफ हमारा क्या है, इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस टुगेदर, जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो इफ हमारा क्या हुआ, इट इज कंजंक्शन। और इसमें दो सेंटेंसेस हैं, इफ ही रन्स फास्ट ही विल गेट देयर ऑन टाइम, और दोनों को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, इफ कनेक्ट कर रहा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप सेंटेंस की बिगनिंग इफ से करेंगे तो बीच में आपको कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने इस पर कोई दूसरा कंजंक्शन यूज़ किया देन यूज़ कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चाहें तो आप सेंटेंस को रिवर्स भी कर सकते हैं, पलट भी सकते हैं। कैसे पलटेंगे देखिए, इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सपोज करें यहाँ पर सेंटेंस क्या है, अब इसी चीज़ को चेंज भी आप कर सकते हैं, हे वेल गेट देयर ऑन टाइम, इफ यू रन्स फास्ट। जब सेंटेंस को आप चेंज करेंगे, व्हेन यू विल चेंज द पोजीशन, जब आप सेंटेंस की पोजीशन को चेंज करेंगे तो कॉमा इज रिमूव्ड, कॉमा क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमा यूज़ किया गया, और जैसे ही इसकी पोजीशन को चेंज किया गया कॉमा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा क्या है, मेन क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या होता है, इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, तो उस पर डिटेल से बात करेंगे। केवल अभी आपको ये याद रखना है कि क्लॉज का मतलब एक सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही विल गेट देयर ऑन टाइम, ये हमारा क्या बन गया, मेन क्लॉज बन गया। और ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज बोलते हैं। सेंटेंस की शुरुआत चाहे तो आप इफ से भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप सेंटेंस के बीच में भी इफ ला सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको याद रखना होगा व्हेन यू स्टार्ट अ सेंटेंस विथ इफ, जब आप सेंटेंस की बिगनिंग जो है इफ से करेंगे तो बीच में आपको क्या लेना होगा, कॉमा ही लेना होगा। क्लियर हो गया, चलिए और आगे हम लोग सेंटेंसेस लेते हैं कुछ और। सम मोर सेंटेंसेस, अब दूसरा सेंटेंस है आपका, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पलट कर चेंज करके दे रहे हैं, द कैट विल स्क्रैच। स्क्रैच मीन्स यू नो किसी खरोचना, द कैट विल स्क्रैच यू इफ यू पुल हर टेल। यहाँ पर एक सेंटेंस ही लगा है। अब देखिए यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गई, अब इसके हिंदी में मतलब क्या है, चलो उसको समझते हैं। द कैट विल स्क्रैच यू, मतलब कैट आपको स्क्रैच कर लेगी, मतलब खरोच लेगी, इफ़ यू पुल हर टेल, अगर आप उसकी टेल मतलब पूंछ को खींचेंगे तो आपको खरोच लेगी। अब कोई सर्टेन नहीं है कि आपको खरोच ही लेगी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, प्रोबेबल कंडीशन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, मेन क्लॉज है, इट इज़ कॉल्ड मेन क्लॉज। और ये पोर्शन हमारा क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड इफ क्लॉज।
अगर आप चाहें तो पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे पोजीशन को चेंज करेंगे? इफ यू पुल हर टेल एंड इन द मिड यू हैव टू यूज अ कॉमा, और बीच में आपको क्या लगाना होगा? कॉमा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी भी सेंटेंस की बिगनिंग किसी कंजंक्शन से होती है, जैसे वेन हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, इन सब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो बीच में क्या लगता है? कॉमा। और कॉमा जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंजंक्शन, वो एक तरीके का कंजंक्शन ही होता है। आप सेंटेंस को आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ यू पुल हर टेल कॉमा द कैट विल स्क्रैच यू। दोनों ही सेंटेंस हमारे सही हैं। If you pull her tail, यदि आप उसकी टेल को खींचेंगे, गागेंगे में निकलेगा, लेकिन इसको सॉल्व हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। If you pull her tail, the cat will scratch you। अब जैसे आपने देखा कि जो if clause है, यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ किया गया? प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। लगा तो प्रेजेंट ही है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस ही आए, इज आर एम भी आ सकता है, हैज हैव भी आ सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इस पर भी, जैसे यहां पर ये दूसरा सेंटेंस था, थर्ड वन इज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि एनी जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये भी दिमाग में रखना होगा कि इफ़ क्लॉज में सम का यूज़ नहीं किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? एनी का यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या लिखा है? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी समस्या है, मतलब अगर आप कोई भी समस्या रखते हैं, फिर उसके बाद लिखा है आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट, आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। अब इसको समझते हैं हम लोग। अब इसमें क्या लिखा है? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपने देखा यहाँ पर हैव यूज़ किया गया है, और हैव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? रखने से सेंस है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने के लिए। अब स्टूडेंट्स कभी कभी ये भी पूछते हैं कि विल यूज़ किया जाए या शैल यूज़ किया जाए, तो डोंट बॉदर अबाउट इट, इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना है, केवल आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करना है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मीन शॉर्ट फॉर्म। जैसे मान लो अब आपके दिमाग में है आई के साथ क्या यूज़ किया जाए, विल यूज़ किया जाए या शैल, तो आप केवल ऐसे यूज़ करें आई। अब ना तो विल पता चल रहा है ना शैल पता चल रहा है। जैसे मान लिया जाए आपको ये बोलना है सेल, सेल, ना तो विल पता चलेगा ना ही शैल पता चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी, दैट इज़ अपोस्ट्रॉफी। ये चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने की। इज़ इट क्लियर? एक सेंटेंस और हम, अगर आप, हाँ वन मोर पॉइंट, आप चाहें तो पोजिशन चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इफ़ जो होगा, जो इफ़ क्लॉज है वो बीच में आए, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? अब उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा हैज हैव से रिलेटेड बात हो रही है। है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस ही। जैसे मान लो वन मोर सेंटेंस, एक सेंटेंस हम लोग और लेते हैं। सपोज If she is innocent, suppose, अब यहाँ पर क्या लिखा? If she is innocent, यदि वो निर्दोष है, मासूम है, she will be released. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? If she is innocent, यदि वो innocent है, फिर उसके बाद कॉमा, आप देख रहे हैं इट इज़ अ कॉमा, शी विल बी रिलीज्ड, उसे क्या किया जाएगा? रिलीज्ड कर दिया जाएगा, मतलब छोड़ दिया जाएगा।
विल बी, कहीं पर भी अगर आपको मिलता है विल बी, शैल बी, मे बी, माइट बी, तो हमेशा आप याद रखिएगा दैट इज़ योर पैस्यू। वो किसकी तरफ इशारा करता है? पैस्यू की तरफ। और उसके बाद हमेशा आपको कौन सी फॉर्म लेनी होगी? यू विल हैव टू टेक द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, सी विल बी रिलीज्ड, जस्ट लाइक दिस, सी विल बी रिलीज्ड इफ सी इज इनोसेंट। इज इट राइट? तो कितने तरीके के सेंटेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किया, इफ क्लॉज, प्रेजेंट टेंस, उसमें प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस पाया, फिर उसके बाद इफ क्लॉज में हम लोगों ने हैज हैव, और हैज हैव का सेंस यहाँ पर क्या है? रखने से सेंस है। और इफ क्लॉज में कभी कभी आपको इज आर एम भी मिलेगा, वाज वर नहीं, इज आर एम, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और भी कुछ बातें हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर हम लोग समझ लेते हैं, रिलेटेड टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए अब इसमें क्या लिखा, वेरिएशन ऑफ मेन क्लॉज, मतलब मेन क्लॉज में कुछ वेरिएशन आपको करना है। इफ क्लॉज में तो ठीक है, क्या रहेगा? प्रेजेंट टेंस, इज आर एम पाया जाएगा, हैज हैव, या प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चलिए क्या क्या वेरिएशन करना है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, क्या लिखा हुआ है? इफ प्लस प्रेजेंट टेंस। फिर उसके बाद आपको मेन क्लॉज में जो है मे यूज़ करना है या कैन। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि मेन क्लॉज में विल और शैल ही लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी मेन क्लॉज में चीज़ें चेंज भी रहती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद क्या लिखा, मे और कैन। तो यहाँ पर जो मे होगा ये आपकी परमिशन को इंडिकेट करेगा, अनुमति को, और जो कैन है ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, एबिलिटी, आपकी क्षमता को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा मेन क्लॉज में मे और कैन। और अगर हम इसके बाद वर्ब की बात करें तो वर्ब कौन से फॉर्म में होगी, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स, यदि आपका डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर, आर इन ऑर्डर मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ व्यवस्थित होना, मतलब एक तरीके से सीरियल में होना, एक क्रम में होना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स, यदि आपका दस्तावेज जो है आर इन ऑर्डर, क्रम में है, तो उसके आगे क्या लिखा, यू मे लीव एट वंस, यू मे लीव एट वंस का मतलब आप जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, यदि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो अगर ऑर्डर में है, मतलब क्रम में है, सीरियल में है, अरेंज्ड है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ क्लॉज। ये हमारा क्या बना, इफ क्लॉज बना। और ये पोर्शन जो है, यू मे लीव एट वंस, दैट इज़ कॉल्ड मेन क्लॉज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज ही बोलते हैं। तो स्टूडेंट ज़्यादातर दिमाग में ये होता है कि हाँ मेन क्लॉज में विल और शैल ही पाया जाएगा, बट इट इज़ नॉट सो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेन क्लॉज में भी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इज इट क्लियर? चलिए, इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, यू मे लीव एट वंस। अगर आप चाहें तो सेंटेंस को रिवर्स भी कर सकते हैं, कैसे बोलेंगे, यू मे लीव एट वंस इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट वन, मे इट इज़ यूज फॉर परमिशन। मे किसके यूज़ किया जाता है, परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। और कैन जो होता है वो किसी लिए यूज़ किया जाता है, इन ऑर्डर टू शो द एबिलिटी, मतलब आपके अंदर एबिलिटी है, मतलब किसी चीज़ की क्या है, क्षमता है। तो चलिए, तो दूसरा सेंटेंस है, इफ़ इट स्टॉप्स स्नोइंग। अब स्नोइंग का मतलब क्या होता है, बर्फबाजी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ इट स्टॉप्स स्नोइंग, इफ़ इट स्टॉप्स स्नोइंग, मतलब अगर बर्फबारी रुक जाती है तो वी कैन गो आउट। यहाँ पर क्या लिखा, वी कैन गो आउट।
अब यहाँ पर क्या मतलब है, इफ इट स्टॉप स्नोइंग, यदि बर्फबारी रुक जाती है तो, कॉमा का मतलब तो, वी कैन गो आउट, हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ इंडिकेटिंग योर एबिलिटी, आपकी क्षमता को इंडिकेट कर रहा है। और यू में रिवर्स द पोजीशन, अगर आप चाहें तो पोजीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे भी बोल सकते हैं, वी कैन गो आउट इफ इट स्टॉप्स स्नोइंग। क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बदलाव। इफ क्लॉज में बातें बिल्कुल वही हैं, एग्जैक्ट हैं, लेकिन मेन क्लॉज में हमारा कुछ चेंज हो रहा है। इससे पहले सेंटेंसेस में हम लोगों ने क्या पाया था, विल और शैल पाया था। कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बड़े डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अब उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं, कभी कभी क्या होता है, इफ प्लस प्रेजेंट, इफ प्लस प्रेजेंट, फिर उसके बाद क्या आता है, मस्ट और शुड भी आ सकता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि विल और शैल ही आएगा, कभी कभी क्या होता है, मस्ट और शुड। तो मस्ट और शुड क्या बताता है, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। अब मस्ट मीन्स क्या होता, बहुत जरूरी, दैट इज़ वेरी कंपल्सरी, मस्ट अवश्य, और शुड का मतलब केवल चाहिए। अब इसमें क्या लिखा है, इफ प्रेजेंट, इफ क्लॉज मतलब किस में होगा, प्रेजेंट में, उसके बाद क्या लगा रहेगा, मस्ट और शुड। अब मस्ट या शुड क्या बताएगा, कमांड, कमांड का मतलब ऑर्डर, या कोई रिक्वेस्ट होगा या कोई एडवाइस होगा। अब इस पर कैसे एग्जाम्पल आएगा, देखिए इस पर किस तरीके के एग्जाम्पल्स होंगे, वी हैव टू टेक द एग्जाम्पल्स, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल लेने हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल ही, इफ़ यू वॉन्ट टू लूज योर वेट, मान लिया जाए कोई कह रहा है, इफ़ यू वॉन्ट, यहाँ पर देख रहे हैं वॉन्ट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, इफ़ यू वॉन्ट टू लूज योर वेट, वेट का मतलब वजन, If you want to lose your weight, यदि आप अपने वेट को खोना चाहते हैं, मतलब उसको लूज करना चाहते हैं, तो you must eat less bread, यहाँ पर क्या लिखा, you must eat less bread। अब इसका मतलब क्या हुआ टोटल, If you want to lose your weight, यदि आप अपने वेट को खोना चाहते हैं, वजन को खोना चाहते हैं, मतलब उसको कम करना चाहते हैं, यू मस्ट, आपको जरूर अवश्य ईट लेस ब्रेड, क्या खाना चाहिए, कम ब्रेड को खाना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि नाउ इट इज़ अ टाइप ऑफ एडवाइस, या आप इसको एक तरीके की एडवाइस समझ सकते हैं, रिक्वेस्ट तो नहीं है, या आप कमांड भी समझ सकते हैं। तो मस्ट और शुड जो होता है वो एडवाइस को भी इंडिकेट करता है, कमांड को भी इंडिकेट करता है, रिक्वेस्ट को भी इंडिकेट कर सकता है। एक सेंटेंस और हम लोग इस पर लेते हैं, वन मोर सेंटेंस, एक सेंटेंस और ले लिया जाए। अब देखिए एक सेंटेंस यहां पर है, इफ अ स्टूडेंट, जैसे मान लिया जाए लिखा हुआ है, इफ अ स्टूडेंट डिजायर्स, डिजायर्स मीन्स यू नो विश, इच्छा करना, टू गेट सक्सेस, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ स्टूडेंट, यदि कोई स्टूडेंट डिज़ायर्स, अगर उसके अंदर इच्छा है टू गेट सक्सेस, सफलता को पाने की, कॉमा, ही और शी, आप चाहे तो मस्ट यूज़ करें, चाहे तो शुड यूज़ करें,
बस दोनों में डिफरेंस ये है कि मस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, बहुत ज़्यादा जोर देता है, ज़रूर। और शुड मीन्स क्या होता है, नॉर्मल में बात कह दिया। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अब आप फॉलो करो या ना फॉलो करो, बस एक एडवाइस दिया गया। और किसी ने कहा यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो इसका मतलब आपको ज़रूर फॉलो करना है। इफ़ यू डोंट फॉलो, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल बी पनिश्ड, आपके ऊपर क्या होगा, यू विल बी चार्ज्ड, यू विल बी फाइंड, यू विल बी पनिश्ड, आपके ऊपर सजा भी होगी, आप पर जुर्माना भी लगेगा। बस इतना सा डिफरेंस है, मस्ट जरूर और शुड मीन्स नॉर्मल में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ आ स्टूडेंट डिजायर्स टू गेट सक्सेस ही और शी, अब यहाँ पर स्टूडेंट से क्लियर नहीं हो रहा है कि मेल है या फीमेल, तो इसी वजह से दोनों प्रोनाउन यूज़ किया गया, ही और शी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पर क्या लिखा, इफ़ आ स्टूडेंट डिजायर्स टू गेट सक्सेस ही और शी मस्ट या शुड वर्क हार्ड, उसे कठिन कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, तो देखा कितना वेरिएशन होता है। तो मेन क्लॉज में कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है। इज इट क्लियर। चलिए एक पोर्शन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अब कभी कभी क्या होता है, अभी आपके दिमाग में गया कि इफ़ क्लॉज जो होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, बिल्कुल सही है, प्रेजेंट टेंस में होगा। तो आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं देखा होगा, तो कभी कभी इफ़ क्लॉज में क्या होता है, इफ़ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज़ ऑल्सो यूज्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज़ किया जाता है। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, इट इंडिकेट्स फ्यूचर एक्शन, ये आपके भविष्य के एक्शन को भी बता सकता है या प्रेजेंट एक्शन को भी बता सकता है। तो चलिए लेते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, इफ़ क्लॉज जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होगा। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, प्रेजेंट एक्शन या फ्यूचर अरेंजमेंट, प्रेजेंट एक्शन को भी बताएगा, वर्तमान के कार्य को, या हम कह सकते हैं यह हमारे फ्यूचर अरेंजमेंट को भी बताएगा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हिंदी लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो आप उसको समझ लिया करें। प्रेजेंट एक्शन ये क्लियर हो गया, वर्तमान का कार्य, और फ्यूचर अरेंजमेंट मतलब जो भविष्य का अरेंजमेंट है। तो इफ़ क्लॉज जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज़ किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोहन, जैसे यहाँ पर लिखा है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, तो लुक फॉर मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को तलाशना, सर्च करना। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोहन, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोहन, यदि आप मोहन को तलाश रहे हो, यदि आप मोहन को ढूंढ रहे हो, तो यू विल फाइंड हिम अप स्टेयर्स, यहाँ पर क्या लिखा है, यू विल फाइंड हिम अप स्टेयर्स। अब इस एग्जांपल में आपने देखा कि इफ क्लॉज में थोड़ा सा चेंज हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला गया। लेकिन अगर हम मेन क्लॉज की बात करें तो मेन क्लॉज इंटैक्ट, जैसे मैंने शुरू में बताया था बिल्कुल वैसा ही है, फ्यूचर टेंस मतलब विल और शैल को एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ये समझना होगा कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो फ्यूचर अरेंजमेंट को भी बताता है, मतलब भविष्य की व्यवस्था, या प्रेजेंट एक्शन को भी बताता है। तो यहाँ पर ये क्या है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोहन, यदि आप मोहन को तलाश रहे हो, यू मे फाइंड हिम अप स्टेयर्स, मतलब वो सीढ़ी के ऊपर है, ऊपर वाले छत पर होगा। तो इसका मतलब इट इंडिकेट्स प्रेजेंट एक्शन, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें फ्यूचर अरेंजमेंट को समझना होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट। अब फ्यूचर अरेंजमेंट क्या है, देखिए अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू आर,
अब यहां पर लिखा हुआ है if you, अच्छा you को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए इस बार। अब जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा if he is, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, if he is staying for another night, if he is staying for another night, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ, इफ ही इज़ स्टेइंग, अगर वो रुक रहा है फॉर अनदर नाइट, एक दूसरी रात के लिए, मान लिया जाए कि कहीं पर वो फंसा हुआ है, अगर वो दूसरी रात के लिए यहाँ पर स्टे हो रहा, मतलब वो रुक रहा है, तो आइल, अब यहाँ पर क्या लिखा, आइल आस्क, आस्क करने का मतलब कहना भी होता है, आइल आस्क द मैनेजर, आइल आस्क द मैनेजर, मतलब मैं मैनेजर से कहूंगा टू गेट हिम अ बेटर रूम, टू गेट हिम अ बेटर रूम। अब समझिए इस बात को, इफ ही इज स्टेइंग, अगर वो रुक रहा है फॉर अनदर नाइट, एक दूसरी रात के लिए, तो आई विल आस्क, अब वहां पर क्या है, विल या शैल, कुछ भी हो, वहाँ पर क्या लिखा गया, आइल, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, वो हमारा शॉर्ट फॉर्म है, तो आइल आस्क द मैनेजर, तो मैं मैनेजर से पूछूंगा या कहूँगा टू गेट हिम अ बेटर रूम, कि उसके लिए एक अच्छा सा रूम गेट करें, मतलब अरेंज करें उसके लिए। तो यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ इंडिकेटिंग फ्यूचर अरेंजमेंट, ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर अरेंजमेंट है, ये हमारा क्या बन गया, फ्यूचर अरेंजमेंट। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि इफ क्लॉज जो है कितनी फ्लैक्चुएट हो रही है तो प्रेजेंट टेंस, कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है, कभी कभी इज आर एम लगाया जा रहा है, कभी कभी हैज हैव, और कभी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और दूसरे क्लॉज में क्या है, मेन क्लॉज में ज़्यादातर आपको विल या शैल ही मिलेगा, कभी कभी कैन भी मिल सकता है, मे भी मिल सकता है, शुड भी मिल सकता है, और मस्ट भी मिल सकता है। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी फर्स्ट कंडीशन में एक और कंडीशनल सेंटेंस इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ज़ीरो कंडीशन। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो उसको भी हम लोग डिटेल से ले लेते हैं, व्हाट इज़ ज़ीरो कंडीशन, ज़ीरो कंडीशन क्या है? पर हम लोग फर्स्ट कंडीशन पर एक और कंडीशन इन्वॉल्व है, जिसका नाम है ज़ीरो कंडीशन। अब ज़ीरो का मतलब तो पता ही होगा, ज़ीरो मतलब निल, तो इस पर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है, तो इसका कहने का मतलब दैट इज़ मस्ट, जो होना ही है, नोबडी कैन, जस्ट यू कैन से नोबडी कैन डिनाई इट, मतलब कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। तो इसमें क्या बातें होती हैं, ज़ीरो कंडीशन में क्या बातें होती हैं, तो देखिए ज़ीरो कंडीशन में होता क्या है, कि जो हमारा इफ क्लॉज होता है वो भी हमारा प्रेजेंट में ही होता है, राइट, प्रेजेंट में होगा, और जो मेन क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज होगा वो भी हमारा किस में होगा, दैट विल बी इन प्रेजेंट, वो भी हमारा प्रेजेंट में होगा। मतलब बोथ द क्लॉजेस, मतलब जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो दोनों ही सेंटेंसेस विल बी इन प्रेजेंट, किस में होंगे, प्रेजेंट टेंस में। अभी इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, इफ क्लॉज प्रेजेंट, जो मेन क्लॉज था वो विल और शैल को ले रहा था, मतलब उसमें चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो कंडीशन में, नाम पता है ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब नो कंडीशन एट ऑल, जहाँ पर कोई भी कंडीशन लागू नहीं होगी, उसको होना ही है। तो यहाँ पर ये इफ क्लॉज किस में रहेगा, प्रेजेंट, और जो मेन क्लॉज होगा वो भी हमारा क्या होगा, प्रेजेंट। तो इसमें क्या बातें पाई जाती हैं, इसमें कोई ऐसी बात पाई जाती है दैट इज़ फैक्ट, जो सही है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई ऑटोमेटिक और हैबिचुअल रिजल्ट, कोई ऑटोमेटिक या हैबिचुअल रिजल्ट, ऑटोमेटिक और हैबिचुअल रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ऑटोमेटिक, मतलब वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, और हैबिचुअल मतलब जो एक आदत के रूप में उसका एक रिजल्ट सामने आएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं इसमें एक फैक्ट्स होगा दैट विल बी कंपलसरी, जो क्या होगा, कंपलसरी होगा। अब जैसे मान लिया जाए कि एग्जांपल है,
साइंटिफिक फैक्ट इसमें ज़्यादा मिलेंगे जो साइंस से रिलेटेड हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो साइंटिफिक फैक्ट ही हमेशा रहेगा, और कुछ भी बात हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। अब इसमें क्या लिखा है, इफ़ यू हीट आइस, आइस मीन्स यू नो बर्फ, इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस बर्फ को हीट करते हैं मतलब गर्म करते हैं, उसके आगे लिखा इट टर्न्स इनटू वाटर, ये किस में टर्न हो जाता है, पानी में टर्न होता है, दैट इज़ कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने आइस को हीट पर रखा मतलब आइस को धूप में रख दिया तो ऐसा नहीं है कि वो टर्न इनटू वाटर नहीं होगा, वो डेफिनेटली होगा। तो इस पर कोई कंडीशन नहीं है, दैट इज़ कंपल्सरी, ये हमारा क्या होता है, कंपल्सरी होता है। अब इसमें अगर आप चाहें तो इसी बात को आप वेन से भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ कंपल्सरी नहीं है कि इफ से ही सेंटेंस की शुरुआत हो, अगर आप चाहें तो वेन से भी इसको बोल सकते हैं। जैसे वेन यू हीट आइस, जब आप आइस को बर्फ को हीट करते हैं उसको गर्म करते हैं, उसके आगे क्या लिखा, इट टर्न्स इनटू वाटर, ये किस में टर्न हो जाता है, वाटर में, पानी में टर्न हो जाता है, पानी में बदल जाता है। आप चाहें तो सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं, इट टर्न्स इनटू वाटर इफ़ यू हीट आइस, या ऐसे भी बोल सकते हैं इट टर्न्स इनटू वाटर व्हेन यू हीट आइस। तो दोनों ही बातें सही हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट, ये किस पर बेस्ड है, साइंटिफिक फैक्ट पर बेस्ड है। एक सेंटेंस और हम लोग लेते हैं, तो इसी को नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड जीरो कंडीशन, जिसका नाम है जीरो कंडीशन। अब इसमें एक सेंटेंस और है, ऑयल, ऑयल मीन्स तेल, फ्लोट्स, फ्लोट्स मीन्स यू नो स्विम, एक तरीके से तैरना। जैसे मान लिया जाए कोई लकड़ी है उसको आप पानी में फेंकते हैं तो वो स्विम नहीं करती, फ्लोट होती है, फ्लोट का मतलब अपने आप तैरती रहती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑयल फ्लोट्स, मतलब तेल जो है वो फ्लोट होता है, ऊपर तैरता है। इफ़ यू पोर, पोर मीन्स क्या होता है, उड़ेलना, मतलब कोई चीज़ को डालना, इफ़ यू पोर इट ऑन वाटर, इज इट राइट, अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इफ़ तो मीन्स हाँ, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, वेन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बातें सही होंगी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑयल फ्लोट्स, तेल फ्लोट होता है, तैरता है एक तरीके से। व्हेन यू पोर इट इनटू वाटर, जब आप इसको किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मतलब कि ये अपने आप हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने तेल को पानी में डाल दिया, आप देखते रहें कि तैरेगा या नहीं तैरेगा, फ्लोट होगा या नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो उसकी एक हैबिट है, दैट इज़ नेचुरल, वो एक क्या है, स्वाभाविक होता है। एक सेंटेंस हम लोग और ले लेते हैं ताकि एकदम से क्लियर हो जाए, तो हमारा थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ है इफ़ देयर इज शॉर्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट, इज लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं है लेकिन ये इशारा किसकी तरफ कर रहा है, प्रेजेंट टेंस, राइट। If there is shortage of any product, अगर किसी भी product की shortage होती है मतलब कमी होती है, तो यहाँ पर आगे लिखा the prices of that product, the prices of that product go up का मतलब ऊपर जाना। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज़ ऑटोमेटिक, अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट, अगर किसी भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, तो कॉमा, कॉमा मीन्स तो,
अब यहाँ पर क्या लिखा है, द प्राइसेस ऑफ दैट प्रोडक्ट गो अप, मतलब उस प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है, जो कीमतें हैं, वो गो अप, मतलब ऊपर चली जाती हैं. दैट इज़ नेचुरल. ये क्या है, नेचुरल है. ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट उसकी शॉर्टेज हो गई, उसका प्राइस लो ही है. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक ऊपर ही चला जाएगा. तो ज़ीरो कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा कि ज़ीरो कंडीशन में जो दोनों ही क्लॉज होंगे वो किस टेंस में होंगे, प्रेजेंट टेंस. और इसमें ऐसी बात बताई जाती है दैट इज मस्ट, जिसको होना ही है. दैट इज ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक है, या दैट इज हैबिचुअल, जो एक आदत है उसकी, या कोई साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट कंडीशन, और इसी फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या था, ज़ीरो कंडीशन भी इन्वॉल्व था. तो आई होप ये समझ में आया होगा. अगर आपको एग्जामिनेशन में फर्स्ट कंडीशन से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर डालेंगे. अब उसके आगे हमें सेकंड कंडीशन लेना है, फिर थर्ड कंडीशन लेना है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पर कितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे. तो आई होप यू वुड एन्जॉय इट. मीट यू इन द नेक्स्ट.